हेलो एंड वेलकम टू फिज़िक्स फन बच्चों आज हम लोग हमारा ट्वेल्थ क्लास का लास्ट जो लेसन है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये लेसन पढ़ने वाला है इस लेसन में बच्चों हम इलेवंथ क्लास में जो सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं उसी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं तो अगर आपको एलेवंथ का कुछ कंसेप्ट याद नहीं है सो आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द टेक्सट बुक ऑफ एलेवेंथ क्लास ठीक है फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको इलेवेंथ का कंसेप्ट याद करा देता हूँ ठीक है तो एलेवंथ का कंसेप्ट याद कर लेते क्या पढ़ा था हमने तो जो मैटर होता है उसका हमने जो मटेरियल्स होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिकली तीन ग्रुप बनाए थे पहला जो ग्रुप बनाया था वो था मेटल्स या कंडक्टर्स ठीक है मेटल्स ये सही वर्ड नहीं है हमें यहाँ पर लिखना चाहिए कंडक्टर so let me erase this so first one is conductors the second one is insulators हमें पता है बच्चों कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है

को छोड़कर एक और कैटेगरी है जो है सेमीकंडक्टर ये हम इलेवंथ में पढ़ चुके थे तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टिविटी जो है वो इन दोनों के बीचों बीच होगा है ना तो वैल्यू ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम ठीक है एंड सेकेंड थिंग वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा था इंटरेंजिक एक्सट्रेंजिक वो सारा आप पढ़िए क्योंकि अभी ट्वेल्थ में तो हम वो वापस से रिपीट नहीं करने वाले बट मैं सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ तो दो टाइप होता है सेमी में इंट्रेंजिक मतलब कि प्योर इंटरेंजिक मतलब कि प्योर जो नेचुरली एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में होता है सिलिकॉन और जर्मनी में इंटरेंसिक सेमी है और दूसरा होता है एक्सट्रेंजिक मतलब हम क्या करते हैं एक्सट्रेंसिक ठीक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज़ डालते हैं वी एड सम इम्प्योरिटीज़ ठीक है तो ऐसे दो कैटेगरी होती है इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक टाइप के सेमी कंडक्टर्स की ठीक है अब उसके बाद हमने देखा था कि अगर इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में देखें तो इंट्रेंसिक तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो प्योर है नेचर में अवेलेबल लेकिन ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है तो यूज़फुल क्या है तो यूज़फुल है एक्सट्रेंजिक और एक्सट्रेंजिक में दो टाइप होता है एक्सट्रेंजिक अगर सेमी है तो इसमें दो टाइप एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप ठीक है सो वी हैव टू टाइप ऑफ एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर पी टाइप और एन टाइप पी टाइप में जो होल्स होता है वो ज़्यादा होता है एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है और अगेन पी और एन का जो यूज़ है यूटिलाइजेशन है रियल वर्ल्ड में वो लिमिटेड है तो इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि लेटस जॉइन देम तो हम एक पी साइड पी टाइप सेमी लेते हैं एक एन टाइप सेमी कंडक्टर लेते हैं और दोनों को हम लोग आ, एक प्रोसेस से ज्वाइन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस है process, ना और ये जैसे ही ज्वाइन हो जाता है दिस बिकम्स अ डायोड डायोड में डी आई का मतलब होता है टू और डायोड ये टू इलेक्ट्रोड क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड इधर है एक यहाँ पर है तो टू इलेक्ट्रोड से बनता है डायोड ठीक है इट इज़ अ टू इलेक्ट्रोड डिवाइस एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डायोड तो ये एक डायोड है और इस डायोड को हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड ठीक है नाम याद रखना बच्चों दिस डायोड इज़ कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड और उसके लिए सिम्बॉल ये ऐसा है ट्राइंगल और उसके ऊपर ये सिम्बॉल ठीक है वापस से मैं बना देता हूँ थोड़ा सा ढंग से ठीक है तो सिंबल कैसा है डायोड का ये ऐसा दर इज़ अ ट्राइंगल उसके सामने ये लाइन है एंड देन दिस ठीक है द सिंबॉल इज़ सिम्बॉल ऑफ पी एन जंक्शन ठीक है पी एन जंक्शन डायोड और ये बहुत सारे हमारे जो एप्लीकेशन्स है उसमें यूज़ होती है इट इज़ वेरी वर्सेटाइल डिवाइस ज़्यादातर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इवन कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन कोई भी डिवाइस सोच लो उसके अंदर डायोड होता ही होता है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं हमारे मोबाइल चार्जर में भी ये होता है और हमारा जो पहला टॉपिक है वो यही है कि मोबाइल चार्जर के अंदर ऐसा कौन सा सर्किट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में करता है क्योंकि हमें मोबाइल चार्जर में जो करंट चाहिए वो डायरेक्ट करंट चाहिए डीसी चाहिए वी वांट डीसी करंट क्योंकि चार्जर के अंदर होती है बैटरी बैटरी के लिए करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करना चाहिए और जो हमारा सप्लाई होता है वो ए होता है जो दोनों तरफ फ्लो करता है ठीक है सो वी डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सप्लाई वी वॉन्ट दिस काइंड ऑफ सप्लाई स्ट्रेट है ना कॉन्सटेंट ये जो है ये टाइम वेराएंगे ये वाला जो है ये टाइम वेराएंगे तो वी वॉन्ट कॉन्स्टेंट सप्लाई ये क्लियर है तो तो हम लोग वो सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और उस सर्किट को बच्चों बोलते हैं रेक्टिफायर ठीक है तो आप पढ़ते हैं अपना ट्वेल्थ का जो पहला टॉपिक है वो जो है रेक्टिफायर ठीक है तो यहाँ पर आ जाओ फर्स्ट स्लाइड पे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्किट बनाया हुआ है रेक्टिफायर सर्किट It is uh, there in your textbook also. Figure number is 16 16.1 block diagram of simple rectifier डाइग्राम ऑफ जो हमारा supply होता है ठीक है वो AC mains होता है हमारे घर में हर जगह पे। It is in India it is टू थर्टी volts एंड फिफ्टी uh, hertz. ये टू थर्टी वोल्ट्स जो है ना बच्चों this थर्टी वोल्ट इट इज़ आर RMS. एस क्या होता है ये मैं already आपको पढ़ा चुका हूँ root mean square, ठीक है तो टू थर्टी वोल्ट आर है मतलब उसका पीक जो होगा वो उससे भी ज़्यादा होगा ठीक है और ये सप्लाई आता है हमारे घर के अंदर और मुझे अगर मेरा फ़ोन चार्ज करना है तो हमारे फ़ोन को लगता है फाइव वोल्ट से लेके नाइन वोल्ट के बीच में का वोल्टेज ठीक है फाइव वोल्ट इज़ आइडियल फोर पॉइंट समथिंग होता है तो फाइव वोल्ट आप पकड़ कर चलिए आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में लगता है और अगर मैं दो सौ तीस वोल्ट से उसको चार्ज करूँगा तो ऑब्वियस बात है बैटरी फट जाएगी है ना ऐसा ना हो इसलिए हम लोग ये सर्किट लगाते हैं विच इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर सर्किट अब ये रेक्टिफायर सर्किट काम कैसे करता है देखो दर इज़ ए सी सप्लाई अब ये जो है दिस इज़ ब्लॉक डायग्राम एक्चुअल सर्किट नहीं है ब्लॉक डायग्राम है अगर हमारे कभी फिजिकल लेक्चर हो पाए तो मैं आपको वहाँ पर एक चार्जर पूरा खोल कर दिखाऊँगा कि कहाँ पर ये सारे पार्ट्स होते हैं ठीक है तब तक के लिए आप ये थेटिकली पढ़ लो तो ये है अपना ए सी मीन्स ठीक है ऑब्वियस बात है टू थर्टी वोल्ट है हमें चाहिए फाइव वोल्ट सो वी विल नीड अ डिवाइस दैट कैन चेंज दिस टू थर्टी वोल्ट टू फाइव वोल्ट और नाइन वोल्ट और उस उसी रेंज में कम वोल्टेज में चाहिए तो व्हाट वी यूज़ इज़ अ ट्रांसफार्मर ठीक है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है ट्रांसफार्मर टू थर्टी वोल्ट को फाइव या टेन वोल्ट जितना भी हमें लो वोल्टेज चाहिए तो हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है ठीक है तो ये काम करता है अपना ट्रांसफार्मर तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर में सबसे पहला स्टेज तो यही आएगा ट्रांसफार्मर अब ट्रांसफार्मर ने हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर दिया लेटेस्ट अज्यूम कि इसने ट्वेल्व वोल्ट में कर दिया बट ये यहाँ पर अगर देखोगे ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पर एसी वोल्टेज है वही ट्वेल्व वोल्ट एसी सी यहाँ भी आएगा सो इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम कहाँ पर देखना है आपको यहाँ देखोगे तो ये दोनों ये इनपुट है और ये आउटपुट है ट्रांसफार्मर का एंड इफ यू लुक एट द इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर ए सी ए सी है ऐसे है है ना तो ऑब्वियस बात है हमारे जो बैटरी का चार्जर है उसमें हमारे करंट जाना चाहिए स्ट्रेट डी सी ऐसा ए सी नहीं चाहिए तो वॉट वी डू वी यूज़ डायोड रेक्टिफायर सर्किट ये क्या है हम लोग डिटेल में बढ़ेंगे एंड दिस रेक्टिफायर सर्किट रिमूव्स द नेगेटिव पार्ट ऑफ द इनपुट ए सी ठीक है नेगेटिव पार्ट uh, मतलब क्या है तो अगर मेरा ए सी ऐसा है दिस इज़ माई रेफरेंस लाइन तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है तो जो, जो नेगेटिव पार्ट है उसको ठीक करना मतलब उसको निकाल देना उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाई करना एंड द सर्किट इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर सर्किट ठीक है तो ये करेगा क्या ये इस सर्किट में से जो नेगेटिव वाला पार्ट था लाइन के नीचे हमारी रेफरेंस लाइन के नीचे रेफरेंस लाइन इज़ एक्चुअली ज़ीरो वोल्ट उसके नीचे जो नेगेटिव पार्ट था उसको ये हटा देगा तो हटा देगा तो ये आउटपुट में क्या आ जाएगा पूरा पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है अब ये पॉजिटिव आउटपुट अगर आप देखते हो तो देखा जाए तो ये इसमें पॉजिटिव आउटपुट में इस तरह का आउटपुट आ रहा है सो देर इज़ नो नेगेटिव आउटपुट मतलब करंट एक ही डायरेक्शन में चल रहा है बट इफ़ यू लुक एट द मैग्नीट्यूड इट्स मैग्नीट्यूड इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड सो ऑन है ना तो मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है वॉट वी वॉन्ट इज दिस काइंड ऑफ डिसीज स्ट्रेट चाहिए तो इसको एक फ़िल्टर सर्किट लगाते हैं वॉट इज़ फिल्टर सर्किट वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो ये फ़िल्टर सर्किट क्या करता है फिल्टर सर्किट इस चीज़ को इस चीज़ को रिड्यूस करके मतलब ये जो चेंजेस है ऐसे ऐसे चेंजेस उनको कम करके ऑलमोस्ट स्मूथ करता है एंड देन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जो हम लोग इसके अगले लेसन में पढ़ने वाला है मैं ये इस लेसन में नहीं पढ़ाने वाला इस स्लाइड में हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ेंगे जो क्या करता है इस तरह का जो इनपुट होता है स्लाइटली फ्लक्चुएटिंग उसको ये कॉन्स्टेंट कर देता है एंड देन हम इस डिवाइस को एज़ अ चार्जर यूज़ कर सकते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा एक लेटेस से ये बारह वोल्ट का अगर मैंने बनाया हुआ है रेक्टिफायर तो मुझे बारह वोल्ट का कॉन्सटेंट आउटपुट सप्लाई मिलेगा जैसे कि बारह वोल्ट की बैटरी से मिलता है सो इन दैट वे वी कैन चार्ज और मोबाइल और ऐसी जहाँ पर हमें कॉन्सटेंट डी वोल्टेज की ज़रूरत है वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हमारे जो अभी एलईडी ई हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इतना टू थर्टी वोल्ट्स की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं वी यूज़ दिस काइंड ऑफ सर्किट तो अडेप्टर होता है कई जगह पे टीवी के अलग अडेप्टर मिलता है और कुछ में इनबिल्ट अडेप्टर होता है जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप का भी हमारा जो चार्जर है वो भी ट्वेल्व वोल्ट का ही होता है ट्वेल्व वोल्ट इसी अडेप्टर होता है तो उसके अंदर भी यही सर्किट लगता है ठीक तो है तो ओवरऑल ये सर्किट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसलिए वो हमारे सिलेबस में भी है क्लियर है तो अब ये सर्किट कैसा है इसके हर एक स्टेज को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है रेक्टिफायर और रेक्टिफायर में अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक टाइप के रेक्टिफायर जिसमें ये पहला जो है वो है हाफ वेव रेक्टिफायर तो हमारी जो ए सी वेव होती है वो ए सी होती है ये है कम्प्लीट वेव ये हमारा रेफरेंस सिग्नल ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट अब जो यहाँ पर इनपुट अगर देखते हो आप ठीक है तो ये इनपुट पार्ट में एसी है जो कि ऐसा ऐसा है टाइम वेराइंग है पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है और यहाँ पर ये जो पार्ट बना है ये है हमारा ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकता है जनरली स्टेप डाउन होता है जो हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ठीक है अब इसके आगे ये जो यहाँ पर आउटपुट आता है दैट इज़ ऑल्सो ए ठीक है ट्रांसफार्मर का, का काम सिर्फ वोल्टेज को कम करना है अब ये ए वोल्टेज इस पी जंक्शन डायोड में से जाएगा अब हमें थोड़ा सा डायोड का वर्किंग याद होना चाहिए तो मैं आपको डायोड का वर्किंग याद करा देता हूँ जो हमारा डायोड होता है बच्चों मैं सिंबल के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ आपको तो ये डायोड का खास बात यह है कि अगर ये ये जो टर्मिनल है दिस टर्मिनल दिस टर्मिनल इज़ कॉल्ड एनोड ठीक है और ये हमेशा पॉजिटिव पे कनेक्ट होता है ये टर्मिनल है कैथोड क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से तो हम इसको एनोड दो इलेक्ट्रोड से तो एनोड और कैथोड बोलते हैं कैथोड इज़ कनेक्टेड टू तो नेगेटिव जब एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा तो डायोड ये अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी ठीक है तो फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है जो डायोड है फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड इज इन ऑन कंडीशन ऑन कंडीशन मतलब उसमें से करंट फ्लो करता है और अगर रिवर्स बायस कर दे व्हाट इज़ रिवर्स बायस अगर मैंने हमारा जो डायोड था उसके एनोड और कैथोड एनोड पे नेगेटिव लगा दिया एनोड पे पॉजिटिव लगाना चाहिए लेकिन मैंने नेगेटिव लगा दिया कैथोड पे पॉजिटिव लगा दिया उल्टा कर दिया तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस में डायोड ऑफ रहता है ऑफ़ मतलब डायोड कंडक्ट नहीं करता है ठीक है आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप इलेवंथ का टेक्स्ट बुक देखिए पढ़िए ज़रा तो आपको ये कंसेप्ट याद आ जाएगी ठीक है फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको क्या याद रखना है फॉरवर्ड बायस मतलब कि जो एनोड है हमारा डायोड वापस से बना ही देता हूँ एनोड पे प्लस कैथोड पे माइनस तो ये फॉरवर्ड बायस है और रिवर्स बायस क्या है एनोड पे माइनस और कैथोड पे प्लस तो इस केस में ये ऑन रहेगा फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में ये ऑफ रहेगा ये आपको याद रखना है ठीक है बाकी आप ज़्यादा डिटेल अगर नहीं भी याद रखते तो ट्वेल्थ में वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं है क्लियर है तो देखते हैं अपना एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है तो ये हमारा इनपुट है ऐसा ये हमारा डायोड है इनपुट अगर देखोगे तो कुछ पार्ट में वो पॉजिटिव है कुछ पार्ट में नेगेटिव है फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन ठीक है मैं आपको इसका वेव फॉर्म भी दिखा देता हूँ इनपुट वेव फॉम कैसा होगा ठीक है देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो यही सर्किट और मैंने उसके बाजू में वेव फॉर्म बनाया हुआ है तो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को फिर सर्किट भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा जो सर्किट था उसमें एक डायोड कनेक्टेड था ये आर एल मतलब ये आउटपुट है और ये हमारा ट्रांसफार्मर है जो सिर्फ हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कर रहा है तो मेन जो रेक्टिफायर का पार्ट है वो यहाँ पर ये पार्ट है दिस इज़ रेक्टिफायर पार्ट है ना और ये तो ट्रांसफार्मर है इस वाला लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये ट्रांसफार्मर है ये एक्चुअल रेक्टिफायर नहीं एक्चुअल रेक्टिफायर ये वाला पार्ट है ठीक है लेकिन डायग्राम तो हम पूरा ही बनाएंगे अब यहाँ पर होगा क्या देखो यहाँ पर आया आउटपुट ऐसा ये देखो ये इनपुट है इनपुट है दिस इज़ इनपुट है ना जो ट्रांसफार्मर के इस ए बी पर आ रहा है तो दिस इज़ एट ए बी अब इनपुट अगर देखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव थोड़े वक्त के लिए पॉजिटिव थोड़े वक्त के लिए नेगेटिव ये ज़ीरो का लाइन है ये जो ऑरिजेंटल एक्सेसिस है ये ज़ीरो वोल्टेज का लाइन है तो हो क्या रहा है कभी तो इनपुट पॉजिटिव होगा कभी तो नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन यहाँ पर ये नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव ऐसा है ठीक है तो अब हम एक एक पार्ट लेते हैं अगर इनपुट में ये पॉजिटिव आ गया तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव इनपुट आ रहा है मतलब ये वाला हिस्सा आ रहा है यहाँ पर ए पॉइंट पे जब ए पॉइंट पे ये वाला हिस्सा आ जाएगा तो डायोड की अगर बात करें तो डायोड के इनपुट पे पॉजिटिव आया और अगर आप देखते हो तो दिस डायोड इज़ प्लस हेयर एंड माइनस हीयर एनोड इधर है प्लस की तरफ माइनस की तरफ कैथोड है तो होगा ये कि पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है तो ऑब्वियस बात है दिस इज़ इन फॉरवर्ड बायस और जब ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी जब हमारा इनपुट आएगा पॉजिटिव ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी फॉरवर्ड बायस में हो जाएगी तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा आर के थ्रू आर के थ्रू को करंट फ्लो करते ही आउटपुट वोल्टेज डेवलप होगा तो जब तक पॉजिटिव साइकिल चलेगा इनपुट का तब तक आउटपुट में पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा जैसे जैसे यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होगा वैसे वैसे आउटपुट में भी पोटेंशियल चेंज होगा तो बिल्कुल इनपुट को कॉपी करेगा आउटपुट मतलब ये डायोड जो है इट विल एक्ट एज अ सिंपल कंडक्टर ठीक है अब दूसरी केस देखो जब इनपुट में नेगेटिव वोल्टेज आ जाए मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाए हमारा ए का तो ये होगा क्या ए टर्मिनल देख लो ए टर्मिनल पर नेगेटिव आ गया तो ये यहाँ से चला यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है डायोड का तो प्लस पे नेगेटिव मतलब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो इस केस में ये रिवर्स बायस डायोड है और रिवर्स बायस डायोड बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता तो यू विल गेट नो आउटपुट तो यहाँ पर आउटपुट नहीं मिला सिमिलरली वापस से पॉजिटिव साइकिल आएगा आउटपुट मिल जाएगा नेगेटिव साइकिल में आउटपुट नहीं मिलेगा पॉजिटिव में आउटपुट मिलेगा नेगेटिव में आउटपुट नहीं मिलेगा सो इन दिस वे इफ यू लुक एट द आउटपुट साइकिल सिर्फ आउटपुट सर्किट को देखो आउटपुट साइकिल को देखो देर इज़ ओनली पॉजिटिव वेव फॉर्म विच इज़ अवेलेबल एट द आउटपुट नेगेटिव पार्ट पूरा कट चुका है हट चुका है एंड डेट्स वाई वी कॉल दिस सर्किट इज़ रेक्टिफायर वो रेक्टिफाई कर रहा है नेगेटिव चीज़ों को ठीक है तो आई होप ये आपको रेक्टीफायर टॉपिक क्लियर हो गया है हाफ वेव रेक्टिफायर आपको समझ में आ चुका है ठीक है अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पे पहले हाफ़ वेव का ये सर्किट देख लो याद से है ना हमारे टेक्सबुक में दोनों चीज़ें हैं अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अब हाफ वेव की तरह एक और रेक्टिफायर होता है जो है फुल वेव रेक्टिफायर अब ये रेक्टिफायर में भी अपनी ख़ास बात है क्या ख़ास बात है देखो सबसे पहले तो ये इसका ट्रांसफार्मर ज़रा ध्यान से देखना ये ट्रांसफार्मर देखो और मैंने अभी अभी जो बताया था आपको अभी अभी बताया हुआ ट्रांसफार्मर कौन सा वाला ये इसका ट्रांसफार्मर देखो हाफ वेव का हाँ ए और बी दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं और फुल वेव का अगर आप आउटपुट देखोगे तो यहाँ पर ए बी सी तीन टर्मिनल है तो ये ट्रांसफार्मर ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर नहीं है इस तरह का जो ट्रांसफार्म होता है जिसमें इनपुट पे तो दो ही टर्मिनल होते हैं जनरली ट्रांसफार्मर का कैसा होता है बच्चों देखो मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर डायग्राम ट्रांसफार्मर का कैसा होता है देर इज़ अ कॉइल एट इनपुट लेटेस्ट से इनपुट हाई है आई पी लिख देते हैं और देर इज़ अनदर कॉइल एट आउटपुट ठीक है इसको दो इनपुट होता है वन टू इसको भी दो इनपुट होता है आउटपुट होता है वन टू दिस इज प्राइमरी कॉइल दिस इज सेकेंडरी कॉइल ऐसा होता है ट्रांसफार्मर हो और ये बीच में कोर जनरली दो इनपुट दो आउटपुट होता है लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो इस तरह का ट्रांसफार्मर है जहाँ पर इनपुट तो दो ही है लेकिन आउटपुट जो है वो तीन है ये वन ये टू और यहाँ से थ्री तो इस थ्री की जगह हम इसको ज़ीरो भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? इसको ज़ीरो लिख देते हैं तो ये तीन आउटपुट वाला ट्रांसफार्मर है इसमें होता ये है कि ये जैसे ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है कैसे बनती है सिर्फ कॉइल बना दो कॉपर की एक तरफ ये प्राइमरी कॉइल एक तरफ सेकेंडरी कॉइल लेकिन ये जो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पर बीच में टैप किया हुआ है टैप किया हुआ मतलब क्या किया है बीच में से वायर को कनेक्ट कर दिया है तो इस तरह का जो ट्रांसफार्मर होता है इट इज़ कॉल्ड सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ठीक है तो अब यहाँ पर अगर देखोगे सर्किट में सो दिस इज़ अ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर तो ये जो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसके बीच में से हम लोग एक वायर कनेक्ट करते थे उसकी कॉइल को बीच में से हम लोग प्रा सेकेंडरी कॉइल को ये सेकेंडरी है प्राइमरी है सेकेंडरी कॉइल को बीच में से हम लोग कनेक्ट करते हैं ठीक है ये हो गया स्टोरी अबाउट ट्रांसफार्मर तो अब इस ट्रांसफार्मर की खास बात ये है अगर मेरा इनपुट वेव ऐसा है जिसमें एक ऊपर पॉजिटिव है और ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा देखो वो स्प्लिट होकर आएगा मतलब कैसा ये मेरा इनपुट ये इस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा ऊपर वाला साइकिल ए पॉइंट पे जाएगा नीचे वाला साइकिल बी पॉइंट पे जाएगा और सी जो है वो अगर आप देखते हो तो इट इज़ ग्राउंडेड तो इस सी पे ज़ीरो वोल्ट होगा तो इस ज़ीरो वोल्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव और जब हमारा सेकेंड साइकिल आएगा नेगेटिव साइकिल तो ये रिवर्स हो जाएगा ये एक बार अगर पॉजिटिव था तो अगले ही साइकिल में ये नेगेटिव और जब ये नेगेटिव था तो अगले ही साइकिल में ये पॉजिटिव तो यहाँ पर साइकिल अल्टरनेट होने वाले हैं ठीक है जब ये पॉजिटिव तब ये नेगेटिव जब ए पॉजिटिव तब बी नेगेटिव और जब ए नेगेटिव तब बी पॉजिटिव ये क्लियर है ये याद रखना है आपको इसकी खास बात है इस ट्रांसफार्मर की सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर सेंटर से टैप किया रहता है उसको अब हुआ क्या देखो लेटेस्ट कन्सीडर द आउटपुट आउटपुट वेब फॉर्म के लिए हम लोग वापस से जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे वही सर्किट है जो मैंने अभी बनाया हुआ था ठीक है ये अपना पिछला वाला सर्किट अपने बुक में वही दिया हुआ है और ये अपना आउटपुट वेब ठीक है तो अब मैं ये सर्किट और ये वेव दोनों साथ में पढ़ाता हूँ ठीक है तो ध्यान से सुनना अब देखो यहाँ पर लेटेस्ट कंसीडर ये ये अपना इनपुट इनपुट वेवफॉर्म है इनपुट वेवफॉर्म ठीक है अब इनपुट वेवफॉर्म फॉर्म यहाँ दिया तो होगा ये ए पॉइंट पे आएगा पॉजिटिव और उसी वक्त बी पॉइंट पे आएगा नेगेटिव जैसे मैंने बताया था सेंटर टैप का, का काम क्या है जब इनपुट का एक साइकिल आता है तो वो यहाँ पर ए पर पॉजिटिव होता है विच इज़ कॉल्ड पॉजिटिव इनपुट और बी जो है वही इन्वर्टिंग इनपुट है वहाँ पर यही साइकिल इन्वर्ट हो जाता है उल्टा हो जाता है तो अब देखो डायोड डी वन क्या है प्लस डायोड डी टू डी वन का ये वाला साइड माइनस है डी टू का भी ये वाला साइड प्लस और ये वाला साइड माइनस है ठीक है तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस ये क्लियर है मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूँ सारी चीज़ें तो अब देखो ये प्लस है ये माइनस ये प्लस ये माइनस इनपुट का ये साइकिल के लिए पॉजिटिव साइकिल के लिए ए पर पॉजिटिव ही आएगा लेकिन बी पर उल्टा आ जाएगा नेगेटिव जब ए पर पॉजिटिव आ गया तो डाइवोट डी वन जो है उसके प्लस साइड पर पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया ये ऑन हो गया अगर डाइवोट डी टू देखोगे तो उसके प्लस पर हमारा माइनस आ रहा है मतलब ये रिवर्स बायस या फिर ये ऑफ हो गया तो जब ये वाला साइकिल होगा तो हमारी डायोड डी वन ऑन है डायोड डी टू ऑफ़ है तो यहाँ पर देख लो इस पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड डी वन जो है ये ऑन है दिख रहा है यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है डायोड डी टू जो है ये ऑफ है ठीक है तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा फिर सेंस ये ऑन है और ये ऑफ है यहाँ देख लो ये ऑन है तो यहाँ से करंट फ्लो करना चालू कर देगा सिंस आर में से करंट जा रहा है इट विल गिव यू आउटपुट वोल्टेज और करंट कैसे जा रहा है ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें ये आउटपुट वोल्टेज ऐसा मिलेगा ठीक है ऐसा क्लियर है अब देखते हैं कि अगर डी टू डी टू की बात करें तो डी टू तो ऑफ़ था डी टू तो ऑफ़ था तो यहाँ से कोई करंट जाने ही वाला नहीं है करंट जाएगा ही नहीं तो बाकी कोई सवाल ही नहीं है ग्राफ में आने का तो उस वक्त ये जो डी टू है ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा नाउ कंसिडर द सेकेंड केस सेकेंड केस में इनपुट है निगेटिव इनपुट साइकिल है नेगेटिव इनपुट साइकिल नेगेटिव तो ए पे नेगेटिव आएगा लेकिन बी पे उसका उल्टा पॉजिटिव आएगा ए पे नेगेटिव आएगा डायोड डी वन का प्लस पे नेगेटिव प्लस पे नेगेटिव मतलब ये रिवर्स बायस ये रिवर्स बायस मतलब ये ऑफ हो गया तो डी वन ऑफ है तो डी वन ऑफ है मतलब यहाँ पर यहाँ पर सॉरी ये जो नेगेटिव इनपुट साइकिल है उसके लिए डायोड डी वन देखो तो डी वन पर नेगेटिव आ रहा है सो इट इज़ ऑफ कंडीशन रिवर्स बायस है तो यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा डी वन का लेकिन डी टू का जो आउटपुट है वो आएगा क्योंकि वो देखो ये पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव साइकिल पर पॉजिटिव लगा हुआ है तो डायोड डी टू विल कंडक्ट तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो जब पॉजिटिव साइकिल आता है तो डी वन कंडक्ट करेगी डी टू नहीं करेगी जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो D1 कंडक्ट नहीं करेगी और D2 करेगी तो ये अल्टरनेटिंग एक बार D1 कंडक्ट कर रही है एक बार D2 कंडक्ट कर रही है फिर वापस से D1 फिर वापस से D2 टू सो जब आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट तो दोनों का कंबाइन है तो हर एक साइकिल में ये आउटपुट आपको मिलने वाला है तो यहाँ पर क्या हो रहा है नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी पूरी की पूरी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही है तो यहाँ पर एफिशेंसी ज़्यादा है क्यों ज़्यादा है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हाफ वेव में हाफ़ एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे थे हाफ को वेस्ट कर रहे थे ठीक है तो ये इसका एडवांटेज है देखते हैं अभी इसके एडवांटेजेस क्या क्या है तो फुल वेव रेक्टिफायर के यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस लिखे हुए अपने बुक में भी है मैगजिम एफिशियसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ एटी जो कि बहुत ज़्यादा है ठीक है एटी तक एफिशेंसी है अगर हाफ वेव की बात करें तो फोर्टी के करीब है तो ऑलमोस्ट इसका हाफ है यू कैन सी दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर तो ऑब्स बात है एफिशिएंसी इसका ज़्यादा है तो इसीलिए हर जगह ज़्यादातर केसेस में फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ होता है तो फिर हाफ़ वेव रेक्टिफायर क्यों पढ़ाया इसका रीज़न भी बताता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर में जो कॉस्ट होता है ज़्यादा है हाफ वेव रेक्टिफायर का जो कॉस्ट है वो कम है फुल वेव का कॉस्ट ज़्यादा है हाफ वेव का कम है क्यों कॉस्ट ज़्यादा दो डायोड यूज़ हो रहा है फिर सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है यहाँ पर एक ही डायोड लग रहा है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर भी नहीं है तो कॉस्ट कम हो जाता है अब कौन सा यूज़ कहाँ करें सो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन आपको कैसा एप्लीकेशन करना है कहाँ पर कितना रिक्वायरमेंट है जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ ज़्यादा डायोड यूज़ कर लो तो ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए तो वहाँ ज़्यादा डायोड यूज़ कर लो जहाँ एफिशिएंसी नहीं चाहिए लेकिन कॉस्ट कम करना है तो वहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर लो सो दिस इज हाउ वी डिसाइड विच सेफ्टी रेक्टिफायर इज़ टू बी यूज ठीक है तो ये हो गया फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन एक बार अपने टेक्स्ट बुक से बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना है ठीक है एडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं एक बार से तो रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस इन बोथ साइकिल्स जब अगर हम फुल वेव की बात करें तो पॉजिटिव में डी वन थी तो नेगेटिव में डी टू काम कर रही थी तो दोनों ही केस में दोनों ही पार्ट जो थे इनपुट साइकिल के वो कन्वर्ट हो रहे थे तो यहाँ पर पूरा ए का साइकिल जो है वो रेक्टिफाई हो रहा है ठीक है एफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर क्योंकि पूरा एनर्जी अगर कन्वर्ट होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वेस्टेज कम होगा रिपल इन फुल वेव रेक्टिफायर इज़ लेस देन हाफ वेव रेक्टिफायर अब ये रिपल क्या चीज़ है ये हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में रिपल का मतलब होता है मेरा आउटपुट ऐसा होना चाहिए डीसी और आउटपुट आ रहा है ऐसा सो दिस इज़ कॉल्ड रिपल ठीक है तो अब ये रिपल जितना कम हो उतना अच्छा क्योंकि आई वॉन्ट कॉन्स्टेंट है ना बैटरी को चार्ज करना है तो कॉन्स्टेंट करंट चाहिए फ्लक्चुएटिंग नहीं चाहिए सो हाउ वी अचीव दिस कॉन्स्टेंट डी सी करंट वो हम लोग अभी देखने वाले हैं ठीक है तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हैं अपना जो ब्लॉक डायग्राम था रेक्टिफायर का उसका नेक्स्ट स्टेज तो उससे पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं टेक्स्ट बुक का छोटा सा एग्जाम्पल है और बहुत सिंपल और कंसेप्चुअल एग्जाम्पल इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज इज़ फिफ्टी हर्ट्स इट इज़ अप्लाइड टू अ हाफ वेव रेक्टिफायर फिफ्टी हर्ट्स का वो सप्लाई लगा दिया हमने जो कि अपने घर में होता है हाफ वेव को लगाया और बाद में फुल वेव को लगाया वॉट इज़ आउटपुट फ्रीक्वेंसी तो जब हम लोग हाफ वेव में लगाएंगे ठीक है तो हो जाएगा क्या आउटपुट फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जितनी इनपुट की फ्रीक्वेंसी है ठीक है इसका मैं ग्राफ बना के समझाता हूँ आपको हाफ़ वेव का आउटपुट आ रहा था ऐसा फिर ये ऑफ़ फिर ऐसा फिर ऑफ़ फिर ऐसा फिर ऑफ़ ये मेरा वन साइकिल है ठीक है तो वन साइकिल में ये कितनी बार एक सेकंड में कितनी बार चेंज हो रहा है तो एक बार चेंज हुआ ठीक है यहाँ पर वापस से चेंज हुआ वापस से चेंज हुआ तो ये इनपुट के फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगा इसका इनपुट का फ्रीक्वेंसी कितना था अपना इनपुट का फ्रीक्वेंसी था फिफ्टी हर्ट्स इनपुट वापस से दिखा देता हूँ ये ऐसा और आउटपुट ऐसा ठीक है तो अगर आप आउटपुट देखोगे तो उतने ही टाइम के बाद रिपीट हो रहा है जितना इनपुट रिपीट हो रहा है है ना ये आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर रिपीट हुआ यहाँ पर रिपीट हुआ ठीक है तो आउटपुट और इनपुट साथ में रिपीट हो रहा है तो उसी टाइम पर रिपीट हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है अब अगर हम फुल वेव की बात करें उसके भी डायग्राम बना देता हूँ ये फुल वेव का इनपुट एसी इनपुट और ये फुल वेव का आउटपुट ठीक है यहाँ देखोगे तो रिपीट यहाँ पर हो रहा है इतने टाइम में यहाँ देखोगे तो रिपीट हाफ टाइम में हो रहा है अगर टी हाफ़ हो जाए इसका टी टी है तो इसका हाफ़ हो जाए तो ऑब्वियस बात है फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ड्स है तो इसकी डबल होकर कितनी हो जाएगी हंड्रेड हर्ड्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ठीक है हंड्रेड हर्ड्स का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा जिस किस केस में फुल वेव रेक्टिफायर में देखते हैं तो यहाँ पर देखो फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना है हंड्रेड हर्ट्स है क्योंकि दोनों साइकिल जो है वो आउटपुट में आ रहे हैं ठीक है क्लियर है आई गेस यहाँ तक सभी को क्लियर है अच्छे से ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जो मैं टॉपिक की बात कर रहा था रिपल की तो जो हमारा आउटपुट आता है बच्चों अभी हमने देखा कि वो आउटपुट आना चाहिए ऐसा दिस इज़ वॉट वी रिक्वायर इन आर चार्जर सर्किट्स बट आ रहा है ऐसा ठीक है दिस ज़ीरो लेवल सो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है पॉजिटिव साइड पर नेगेटिव साइड पे कुछ भी नहीं है बट स्टिल इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट सो इट इज़ नॉट आइडियल आउटपुट है ना सिंस दिस इज़ नॉट आइडियल आउटपुट तो हमारा एक कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पर विच इज़ रिपल फैक्टर तो रिपल फैक्टर क्या है पहले तो ये देखो कि आउटपुट कैसा आ रहा है तो आउटपुट आ रहा है ऐसा आउटपुट आना चाहिए था कॉन्स्टेंट लेकिन वो आ रहा है ऐसा 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 ऐसा, ऐसा चेंजिंग ठीक है सो so इसको हम बोलते हैं रिपल आउटपुट है ना और अगर आप देखते हो तो ये एक्चुअल में है एसी सी विथ डी तो दिस आउटपुट ऑफ आर रेक्टिफायर कंट इज डी सी प्लस सम पार्ट ऑफ ए सी तो हम बोलते हो उसको ए सी कंपोनेंट ठीक है तो आउटपुट में क्या है बच्चों आउटपुट में ए सी कंपोनेंट आ गया है ठीक है और जब आउटपुट में ए सी कम्पोनेंट आ गया है तो हम यहाँ पर रिपल फैक्टर डिसाइड करते हैं रिपल फैक्टर इज़ रेशो ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ़ ए सी कम्पोनेट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ़ डी सी कम्पोनेंट ये जो ए सी कम्पोनेंट है इसका आर एम एस निकालो आर एम एस ए सी डिवाइड बाय डीसी, डीसी, डीसी वोल्टेज ठीक है तो ये इसका हो गया फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है और ये उसका आउटपुट डायग्राम जिस पे से हम लोग रिपल फैक्टर निकालते हैं अब ये रिपल फैक्टर जितना कम हो उतना रेक्टिफायर अच्छा रिपल फैक्टर ज़्यादा हो तो रेक्टिफायर अच्छा नहीं है तो वहाँ पर हमें और सर्किट्स लगाने पड़ेंगे ठीक है तो अगर मेरा आउटपुट जो है वो रिपल वाला है है ना आउटपुट मेरा कैसा आ रहा है ऐसा आ रहा है भले ही वो डीसी है लेकिन वो रिपल वाला है वो कांस्टेंट नहीं है तो वी यूज़ दिस काइंड ऑफ सर्किट विच इज़ कॉल्ड फ़िल्टर ठीक है अब हम करेंगे क्या यहाँ पर अगर देखते हो तो दिस इज़ रेक्टिफायर जो हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं इसके आगे एक्स वाई आउटपुट पर देखो अब मैं यहाँ पर वेव फॉर्म भी बना देता हूँ इनपुट पे एसी है तो वेव फॉर्म ऐसा आउटपुट पे ये इसका एवरेज ज़ीरो और आउटपुट पे क्या आएगा ये मेरा डीसी आएगा लेकिन कांस्टेंट नहीं है वो ऐसा फ्लक्चुएटिंग है फ्लक्चुएटिंग डीसी सी विच इज़ कॉल्ड ट्रिपल तो ये यहाँ पर हमने जो सर्किट लगाया दिस सर्किट इज़ कॉल्ड फ़िल्टर सर्किट इसको क्या बोलते हैं वो चो फिल्टर सर्किट अब ये काम कैसे करता है जैसे ये हमारा आउटपुट एसी आ जाएगा ठीक है कैपेसिटर की खास बात ये है कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी uh, है विच इज़ कॉल्ड रिएक्टेंस इट इज़ बेसिकली अपोजिशन ठीक है सो कैपेसिटर हैज़ वेरी हाई रिएक्टेंस फॉर डी सी एंड वेरी लो रिएक्टेंस फॉर ए सी ठीक है मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कैपेसिटर थोड़ा सिंपल वर्ड में बन बनाते है इस चीज़ को कैपेसिटर पासिस ए सी एंड ब्लॉक्स डी सी ठीक है क्या याद रखोगे आप कैपेसिटर जो है ये ए सी को पास करता है एंड डी सी को ब्लॉक करता है ठीक है तो अब ये कंसेप्ट सिर्फ याद रख के मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ से आया मेरा आउटपुट रेक्टिफायर के आगे जिसमें आउटपुट में एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट दोनों मिक्स है तो यहाँ पर आउटपुट में आते ही कैपेसिटर विल पास द एसी कंपोनेंट थ्रू इट डीसी को वो ऐसे नहीं जाने देगा तो डीसी सी कहाँ चला जाएगा इधर चले जाएगा डीसी आ जाएगा आरएल जो कि आउटपुट है हमारा और एसी जो था वो यहाँ से शॉर्ट होकर निकल गया तो यहाँ पर से वो ग्राउंड पे चला गया तो बचा क्या आउटपुट में हमें मिल गया ए डी पूरा का पूरा तो आपका जो आउटपुट ग्राफ है वो ऐसा ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगा एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आता है अनफॉर्चुनेटली बट ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम लोग जो रिपल आउटपुट था उसको ऑलमोस्ट स्मूथ कर दिया पहले ऐसा ऐसा ऐसा, ऐसा आउटपुट था अब उसको हमने क्या कर दिया स्मूथ कर दिया अब इसके आगे ये कई एप्लीकेशन में इससे काम बन जाता है ठीक है लेकिन अगर मोबाइल चार्जर है तो ऑब्वियस बात है मोबाइल का सर्किट बहुत ज़्यादा डेलीकेट होता है और उसको एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट आउटपुट चाहिए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों उस केस में जो ये फिल्टर सर्किट है इसका आउटपुट भी एग्जैक्ट कॉन्स्टेंट नहीं है सो वी यूज़ इन दैट केस वोल्टेज रेगुलेटर जो हम लोग अगली uh, जो लेक्चर होने वाला नेक्स्ट लेक्चर अगली स्लाइड जो मैं बनाने वाला हूँ तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो मेरे हिसाब से आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही सफ़िशेंट है जहाँ तक मैंने पढ़ाया है देखो जीना डायोड अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है तो उससे पहले तक की सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है सो गो थ्रू दोज कंसेप्ट और जो भी अगर आपको उसमें दिक्कतें आती है यू कैन आस्क मी ठीक है